Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys, you're doing absolutely fine. जो लोग बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ऑनर की तरफ से एक गुड न्यूज़ आ रही है। ऑनर बहुत ही जल्द इंडिया में ऑनर 8X मैक्स स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है और ये फ़ोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया में भी ये फ़ोन जल्द से जल्द लॉन्च हो सकता है। सबसे खास बात ये है इस डिवाइस के साथ मिलने वाले हैं फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइसिंग एंड रिलीज डेट के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस डिवाइस में हमें देखने को मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर। तो ये वही प्रोसेसर हैं जो नोट 5 प्रो में, नोकिया X6 में या फिर मोटोरोला 1 पावर में यूज़ किया गया था। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी परफॉर्मेंस होगी। इस डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर, वो काफ़ी हद तक कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर से मिलता जुलता है। दोनों प्रोसेसर में जो फीचर्स हैं वो हैं क्लॉक स्पीड को लेके और GPU का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। दोनों प्रोसेसर में आपको 8 कोर्स मिलते हैं जो क्रायो के 260 वाले मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक हैं, जहां दूसरी ओर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक हैं, जिसकी वजह से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर से एज़ कम्पेयर टू कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर। दोनों प्रोसेसर 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस हैं, जिसकी वजह से आपको दोनों फ़ोन का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दोनों प्रोसेसर के GPU की बात करूं तो यहां पे थोड़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के GPU से, क्योंकि इसमें आपको मिलता है एड्रेनो 512 वाला GPU, जबकि स्नैपड्रैगन 636 में आपको एड्रेनो 509 का GPU मिलता है। तो कहने का मतलब यह है दोनों प्रोसेसर के परफॉर्मेंस से आपको डे टू डे यूसेज में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो अपने फोन में तो आपके लिए कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है। अब बात करते हैं लुक्स और डिज़ाइन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इस फ़ोन का। ये डिवाइस आपको दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अगर आप इन फ़ोटोज़ पर गौर करेंगे तो जो साइड की फ्रेम है वो काफ़ी थिक दिखाई देती हैं और फ्रंट साइड पे जो बेजल हैं वो भी ना के बराबर हैं, और जो बैक पैनल है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको ग्लास फिनिश वाला पैनल देखने को मिल जाता है और वो एक्चुअली में ग्लास से ही बना हुआ है, और एल्यूमिनियम की फ्रेम दी गई हैं और हॉरिजॉन्टल शेप में कैमराज दिए गए हैं और बॉटम साइड पे माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं स्क्रीन की। तो इस फोन में आपको बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी 7.12 इंच। तो जो लोग मल्टीमीडिया पर्पज से फ़ोन को लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, और साथ में आपको ट्रेंड के मुताबिक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती हैं जो दिखने में काफ़ी फ्रेश लुक देती हैं। तो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस फ़ोन के लिए। अब बात करते हैं इस डिवाइस के कौन से वेरिएंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला वेरिएंट्स होगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और जो दूसरा वेरिएंट होगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो मेरे ख्याल से 6GB रैम वाला जो वेरियंट है वो सही रहेगा आपके लिए, और इनकी प्राइस की बात करें तो 14,000 से 20,000 तक रह सकती हैं। अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इस फ़ोन का। इस फ़ोन में हमें देखने को मिलेगी 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस फ़ोन के बॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है फास्ट चार्जर, जो आपकी 5000 mAh की बैटरी को तकरीबन 2 घंटे के आसपास फुल चार्ज कर देती है। अब बात कर लेते हैं कैमरास की। तो इस फोन में हमें बैक साइड पे ड्यूअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा 16+2 मेगापिक्सल। जो 16 मेगापिक्सल का पहला लेंस है उसका अपर्चर होगा f2.0, और जो डेप्थ सेंसिंग के लिए जो दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपर्चर होगा f2.4।
और इस कैमरा से आप फुल एचडी पे 30 fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा जिसका अपर्चर होगा f2.0। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो इस फोन में हमें देखने को मिलेगा एंड्रॉइड ओरियो, साथ में ऑनर का EMUI का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे चीज़ों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, यहाँ पे हम सब यूज़ करते हैं मल्टीपल सिम कार्ड, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी होती है जब आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं। तो ये फ़ोन ड्यूअल 4G को भी सपोर्ट करता है और ड्यूअल वोल्टी को भी सपोर्ट करता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस फ़ोन के लिए। अब ये डिवाइस कब लॉन्च हो सकता है, तो ऑनर के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये डिवाइस 1 से 2 महीने में ये फ़ोन देखने को मिल सकता है, और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं ये फ़ोन हमें अक्टूबर के एंड तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये थी ऑनर 8X मैक्स के रिलेटेड आज की ये वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ऑनर का ये डिवाइस कैसा लगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।